एक्सक्यूज मी, वक्त देखा आपने? ऑफिस की टाइमिंग का तो पता होगा आपको। मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी जी सर। फिर देर से आने की वजह क्या है? सॉरी सर, वो मेरी वालिदा की तबीयत। आप कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गई? सर मुझे तो आज आना ही नहीं था, लेकिन सही कह रही हैं आप, आपको यहां आना ही नहीं चाहिए था। लिसन एवरीबॉडी, ऑफिस की टाइमिंग सुबह 9 बजे की है, दैट मींस डॉट 9 बजे यहां पे सबको होना चाहिए। और फिर भी अगर कोई लेट आता है तो उसे चाहिए कि पहले एप्लीकेशन ऑफिस में दे या फिर ईमेल दे। सर आप मेरी बात तो सुने। व्हाट प्लीज, गॉड फॉर गॉड से एक बंद कीजिए रोना धोना, मुझे नहीं पसंद ये सब। यही वजह है कि मैं ऑफिस में किसी भी लड़की को रखने के फेवर में ही नहीं हूं। जरा सा कुछ कह दो तो रोना धोना शुरू कर देती है। नाउ प्लीज स्टॉप क्राइंग। क्या बात है भाई, क्यों इतना गुस्से हो रहे हो? अगर कुछ देर से आया तो कम से कम उससे वजह ही पूछ लो। 100 मसाइल होते हैं यार लोगों के, और ये मिस किरत पे क्यों बरस रहे हो? इन्होंने तो अभी तक ऑफिस ज्वाइन भी नहीं किया, और आप भी कमाल है, आपने इन्हें बताया नहीं कि आपने अभी तक ऑफिस ज्वाइन नहीं किया। Excuse me. Please carry on. I'm really sorry about it. आप प्लीज आइए, मैं आपको ऑफिस दिखाता हूं। चल। आइए। ये है आपका ऑफिस और वर्क स्टेशन। अरे भाई बैठिए, आज से आप ही का ऑफिस है। जी, थैंक यू। आज की बातों का बुरा मत मनाइएगा, वो तो जानता ही नहीं था कि आपने ऑफिस अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया। जी सर। किरत पे क्यों बरस रहे हो? इन्होंने तो अभी तक ऑफिस ज्वाइन भी नहीं किया। आप वहाज की तरफ से परेशान हैं? कैसे बताऊं क्या परेशानी है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, कोई परेशानी होगी तो आपसे डिस्कस करूंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं सर कोई बात नहीं है। कहीं वो बच्चे वाला मामला तो अब तक परेशान नहीं कर रहा आपको? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर भी अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर बताइए। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू।